शुभ प्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 11वां लेसन है वो खेत में खजाना, उसका हम क्या करेंगे शब्दों के माध्यम से पहले उसे जानेंगे, मतलब उसमें जो हार्ड वर्ड्स है वो देखेंगे और उसके बाद ही हम क्या करेंगे इस लेसन का आशय भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं। पहला हमारा हार्ड वर्ड है वो है परिश्रमी। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है अगले पन्ने पर देखेंगे कंधो। कंधो उसके बाद देखेंगे अगला जो शब्द है वो है स्वर्गीय। इस प्रकार ये शब्द हमने देखे थे बच्चों, तो ज़रा चलिए हम ये शब्द एक दो मिनट के लिए देखते हैं और आपको क्या करने हैं ये शब्द अच्छे से लिखने आने चाहिए, इतना आपको उसका स्टडी करना है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे आज का जो हमारा ये लेसन है उसका आशय भी अभी हम देखेंगे। ध्यान से सुनिए बच्चों, सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें इन शब्दों को अंडरलाइन करके रखें और ये शब्द अच्छे से आपको लिखने आने चाहिए, इतना उसका स्टडी करिए। ओके, उसके बाद देखिए हम ये इस लेसन को आज हम पढ़ेंगे, तो पेज नंबर 51 ओपन करके अपने खुद के सामने रखिए और ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हमारा 11वां लेसन जिसका नाम है खेत में खजाना। खेत में खजाना, ओके, तो चलिए मैं पढ़ती हूँ ये लेसन, आप ध्यान से सुनिए। एक किसान था, वह अपने बलबूते पर अकेले ही खेती करता था। वह एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता था, तभी उसका खेत सोना उगलता था। किसान जितना मेहनती था, परिश्रमी था, उतने उसके बेटे उतने ही निकम्मे थे। ओके, तो पहला यहाँ पर शब्द आया है जिसका अर्थ आपको बताना है, बलबूते। बलबूता यानी शक्ति, सामर्थ्य। क्या है बलबूता यानी शक्ति या सामर्थ्य। तो इसका अर्थ है कोई भी काम नहीं करने वाला,
तो इससे पता चलता है इन दो शब्दों से पता चलता है कि किसान था वो बहुत ही अपने बलबूते पर, अपने सामर्थ्य पर बहुत ही अच्छी उसमें जो खेती की थी, और वो बहुत ही उसका जो खेत था हरा भरा था अपने पसीने से, वो बहुत ही मेहनत कर रहा था, उसका जो खेत था बहुत ही हरा भरा और हरा भरा था, और उस खेत में सोना उगलता था, यानी बहुत सारा धान वहाँ पर उत्पन्न होता था। देखिए क्या होता है, एक किसान था, वह अपने बलबूते पर अकेले ही खेती करता था, मतलब बलबूता यानी सामर्थ्य शक्ति, वो अपने सामर्थ्य से अकेले ही क्या करता था, खेती करता था। वह एड़ी चोटी का पसीना एक कर देता था, मतलब वो बहुत ही मेहनती था, तभी उसका खेत सोना उगलता था। ओके, तभी उसके खेत में बहुत सारा सोना उगलना मीन्स वो खरा खुरा सोना वहाँ से आता था नहीं, वो धान के रूप में उसे क्या हो जाता, प्राप्त हो जाता था या मिल जाता था, और वो वहाँ पर मेहनत करने की वजह से वो उसका जो खेत है वो हमेशा हरा भरा और वहाँ से बहुत सारा धान उपलब्ध होता था। किसान जितना परिश्रमी था उसके बेटे उतने ही निकम्मे थे। देखिए, किसान जितना परिश्रम करता था उसके जो बेटे थे वह इतने निकम्मे थे, बहुत ही निकम्मे थे, मतलब कोई भी वो काम नहीं करते थे। जैसे किसान खेतों में खेती करता था वैसे उतने बेटे बहुत ही आलसी थे, वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाते, निकम्मे यानी कि कोई भी काम न करने वाले, यानी निकम्मा यानी कि कोई भी काम न करने वाला। ओके, उसके चार बेटे जवान बेटे थे, परंतु वे बाप के काम में हाथ नहीं बटाते थे, वे खाते और मटर गश्ती करते थे। देखिए यहाँ पर उस किसान को कितने बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, चार बेटे हैं, वो क्या करते हैं, बस मटर गश्ती करते हैं। मटर गश्ती है ना, हमेशा दिन भर हमेशा मस्ती करना, अपने ही धुन में रहना, किसी की बात न सुनना, कोई काम न करना। तो ये जो किसान के बेटे थे बहुत ही निकम्मे थे, कोई भी काम वो नहीं करते थे। किसान ने बेटों के काम करने के लिए कई बार समझाया, परंतु उन निकम्मों का रंग ढंग ही नहीं बदला। ओके, तो किसान ये कहता था बच्चों से, अपने चार बेटों से, कि हमेशा तुम क्या करो, कुछ काम करो, अपनी मेहनत से कुछ कमाओ, अभी तुम लोग कमाने के लायक हो गए हो लेकिन कुछ काम नहीं करते, ऐसा वो बार बार उनको समझाता था। लेकिन वो जो बच्चे है निकम्मे हैं, वो कोई भी काम नहीं करते थे। ओके, वे खेत पर कभी नहीं गए, समय बीता, किसान बूढ़ा हो गया, उसके शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही, अब उसे चिंता सताने लगी, मेरे मरने के बाद मेरे ये आलसी बेटे भूखे मरेंगे। देखिए क्या होता है, किसान ने जब वो अच्छा था, मेहनती था, परिश्रम कर रहा था, तभी उसके जो बेटे हैं वो क्या करें, बहुत ही आलसी हो गए थे, कुछ भी काम नहीं करते थे, किसान की सहायता भी बिल्कुल नहीं करते थे, वो कभी खेत पर भी नहीं जाते थे। तो इसके कारण क्या हो गया, जब किसान बूढ़ा होने लगा, उसका शरीर अब उसे साथ नहीं दे रहा था, काम करने की शक्ति उसमें नहीं बची थी, तब ये बच्चे तभी भी मटर गश्ती करने में ही लगे थे, बस खाते घूमते और बस ऐसे ही अपना जीवन चैन से काटते थे। लेकिन उस बात की चिंता किसे होने लगी थी, किसान को होने लगी थी, क्योंकि मेरे ही आलसी बेटे, मेरे में अगर यहाँ पर कुछ बीमारी से मर गए तो मेरे बाद इन मेरे बच्चों का क्या होगा, और ये आलसी बेटे क्या करेंगे। ओके, उसके बाद देखिए, इस चिंता से किसान का शरीर सूख कर काटा हो गया था, उसने चारपाई पकड़ ली, अब वह समझ गया कि उसका अंत समय निकट है। अचानक उसे अपने बेटों को सुधारने का एक उपाय सूझ पड़ा, उसने अपने चारों बेटों को पास बुलाया, वे आकर चारपाई को घेर कर खड़े हो गए। देखिए ये किसान जो है अभी बूढ़ा हो गया था, इसके कारण उसका शरीर कुछ काम नहीं कर पाता था, उसने बेटों को बार बार समझाया लेकिन बेटे भी
उसकी बात नहीं मान रहे थे, किसान काम करने के लिए उनको समझा रहा था अपने खेतों में तुम काम करो, कुछ धान कमाए, कुछ कमाई करो, ऐसा कह रहा था। लेकिन उसके बेटे भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए उसे चिंता हो गया था और इसी चिंता के कारण वो बहुत ही बीमार पड़ गया और हमेशा ही खटिया पर या चार पाई यानी कि खटिया उस पर लेटा रहता। और कुछ दिनों के बाद लेटा रहता और उस कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसका अंत समय मतलब मरने वाला वो होता है, अंत समय मृत्यु मौत उसके उसे ऐसा लगता है कि अभी मेरी मौत अभी मेरे सामने ही है, अभी मैं मरने वाला हूँ। तो उसे क्या हो गया, एक उपाय सूझा बेटों को सुधारने का, एक उसे उपाय सूझा और वो उसने क्या कर दिया, अपने बच्चों को अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और ये जो बच्चे हैं पापा की बात मानते हुए अपने उस पापा के खटिए के आसपास खड़े हो गए, उनको घेर कर वो खड़े हो गए। तो इस पर किसान क्या कहता है, चलिए देखते हैं। किसान ने बेटों से कहा, बेटा इस दुनिया में मेरे गिने चुने दिन ही रह गए हैं, बाकी रह गए हैं। देखो मैंने तुम लोगों के लिए खेत में खजाना गाड़ रखा है, तुम उसे निकाल लेना। ऐसा कहकर दुनिया से वह दुनिया से चल बसा। एक दिन किसान के बेटों ने अपने कंधे पर फावड़े रखे और खजाने को निकालने के लिए खेत पर जा पहुँचे। देखते ही देखते उन्होंने सारा खेत खोद डाला, परंतु खजाना हाथ न लगा। वे पसीने से लथपथ हो गए, ओके, पसीने से लथपथ होना यानी भीग जाना, चल बसा यानी मर जाना, ओके। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो किसान है वो अपने बेटों को सुधारने के लिए एक उपाय उनको कहता है। क्या कहता है, देखिए बच्चों मैंने क्या कर दिया है, तुम लोगों के लिए खेत में बहुत सारा धन बहुत सारा खजाना गाड़ रखा है और मेरे मरने के बाद तुम क्या करो, ये खजाना निकालो और आपस में बांट कर सुखी रहना। ऐसा होता है वो जो किसान होता है और वो मर जाता है, ओके। उसके बाद ये जो बच्चे होते हैं वो लालची होते हैं, वो क्या करते हैं, फावड़े और जो खोदने का सामान होता है वो लेकर खेत में चले जाते हैं और वो वे सब वे चारों के चारों खेत को कुछ ही मिनटों में या कुछ ही वक्त में क्या कर देते हैं, सभी सारा जो खेत होता है वो खोद डालते हैं, लेकिन उनको कोई भी वहाँ पर खजाना नहीं मिलता। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए फिर वे निराश होकर घर लौट गए, वर्षा ऋतु आ गई। यह देखकर किसान के बेटों के मन में यह विचार आया, हमने अपने खेत खोदने में कितना पसीना बहाया है इसका कुछ लाभ तो उठाना ही चाहिए, चलो खेत में हम बीज डाल दें। उन्होंने ऐसा ही किया तो इस बार उनके खेत में जितना अनाज हुआ उतना दूसरे किसी खेत में नहीं हुआ। अब उनकी समझ में आ गया कि खेत में सचमुच खजाना गड़ा होता है, जो पसीना बहाता है वह उसे पाता है। उन्होंने इस सीख के लिए स्वर्गीय पिता को मन ही मन में धन्यवाद दिया। देखो क्या होता है, ये जो बच्चे होते हैं लालच में खजाने की लालच में क्या करते हैं, सारा जो खेत होता है वो खेत की मिट्टी खोद डर डालते हैं और क्या होता है, तभी भी उनको क्या होता है, खजाना नहीं मिलता, तो वो घर पर आ जाते हैं और वहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो रेनी सीजन होता है वर्षा ऋतु होती है वो स्टार्ट हो जाती है और सभी को ये वर्षा देकर बरसात देकर ये ध्यान में आता है कि क्यों ना हम इस वर्षा ऋतु का फायदा उठाएं, हमने जो खोदने में इतना पसीना बहाया है कुछ बीज कुछ धान हम यहाँ पर क्या खेती में बो देंगे। तो ये लोग वो करते हैं, क्या करते हैं, उस खेती में क्या करते हैं, बिजाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा धान उपलब्ध उनको होता है और यही सीख उनको मिलती है कि जो पसीना बहाता है वो खजाना हमेशा ही पाता है। तो इस सीख के लिए वो अपने मरे हुए पिता
से क्या करते हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं। तो उसके बाद में देखिए, इस लेसन से हमें शिक्षा भी मिलती है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम ही क्या है, मतलब जो आप भी आप मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, तो ही आपको लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर जो परिश्रमी होता है, जो मेहनती होता है, हमेशा उससे खजाने के रूप में कुछ न कुछ तो मिलता ही है। तो बच्चों, आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी क्या परिश्रम करना है कि आपको अच्छे से आपकी जो पढ़ाई होती है वो करनी चाहिए। अगर आप जो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबर लाओगे, तो कुछ अच्छी नौकरी पाओगे, बहुत जो आपका जीवन है वो अच्छे से और क्या हो जाएगा, आनंदपूर्वक क्या हो जाएगा, व्यतीत हो जाएगा। अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करोगे लाइफ में, पढ़ाई के अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं, अगर वो आप करोगे, कुछ भी काम होता है उसमें आप परिश्रम करोगे, तो उसका आप हमेशा ही फल निश्चित ही पाओगे। ओके, तो इसी लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। परिश्रम भी क्या है, सफलता की कुंजी है। ओके, तो इसीलिए हमें जो भी हमारा काम होता है वो ध्यान पूर्वक अच्छे से करना चाहिए, तभी क्या होगा, आप लाइफ में सफल हो जाओगे। ठीक है, धन्यवाद।